कन्वेक्शन है, हम कन्वेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हीट ट्रांसफर के अंदर। अब तक हमने कंडक्शन खत्म कर दिया है, हम कन्वेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और कन्वेक्शन के अंदर हमारा जो सबसे पहला कंसेप्ट है, सबसे पहला जो आर्टिकल है, वो मोमेंटम इक्वेशन को ड्राइव करना है या सेल मोमेंटम बैलेंस लगाना है एक कंट्रोल रूम पर। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल वो पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बाउंड्री लेयर का आइडिया होना चाहिए। कई बच्चों ने पढ़ रखा है फ्लूइड फ्लो, अगर पढ़ रखा है तो मत पढ़ो, लेकिन अगर आपको क्विक रिकैप चाहिए देख लो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ध्यान से देख लो, क्योंकि फिर उन्हें आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर क्या होती है? सबसे पहले बाउंड्री लेयर क्या होता है? एक रीजन होता है, ठीक है, मतलब एक एरिया होता है, समझ गए? तो जैसे मान लो ये फ्लूड फ्लो कर रहा है, मैं इसको थोड़ा ढंग से बनाता हूँ दोबारा एक बार। मान लो फ्लूड फ्लो कर रहा है आपका, मान लो ये यहाँ पे फ्लूड है जो फ्लो कर रहा है, मान लो वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, इधर ऐसे इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, जैसे जमीन के ऊपर से पानी फ्लो कर रहा है, तो इसे क्या बोल, इस फ्लो को क्या बोलेंगे? इस फ्लो को बोलेंगे फ्री स्ट्रीम, इसे बोलेंगे फ्री स्ट्रीम फ्लो या फ्री स्ट्रीम, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी है जिससे फ्लो कर रहा है, ये फ्री स्ट्रीम जिस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है इसे तो बोलेंगे फ्री स्ट्रीम, और जिस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है उसे बोलेंगे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। दो वर्ड बोले मैंने, फ्री स्ट्रीम और फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ठीक है। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को यू सबस्क्रिप्ट एस, यू के पैरों में एस, ये यू इनफिनिटी से डिनोट करते हैं, ज्यादातर ये सिंबल यूज करते हैं, यूएस भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो जब एक फ्लूड फ्लो करे, जब एक आपका फ्लूड फ्लो करे और उसके रास्ते में कोई भी रुकावट ना हो, कोई भी पत्थर ना आए, कोई भी सॉलिड बॉडी ना आए, ठीक है, तो उसके फ्लो को बोलते हैं फ्री स्ट्रीम फ्लो या फ्री स्ट्रीम, और उसकी वेलोसिटी को बोलते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। फ्लो को तो फ्री स्ट्रीम फ्लो बोलेंगे, और उस फ्लूड को हम कह सकते हैं कि वो फ्री स्ट्रीम है, और उस वेलोसिटी जिससे वो फ्लो कर रही है फ्री स्ट्रीम उसे बोलेंगे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन अगर इस फ्लो के अंदर मैं एक सॉलिड बॉडी रख दूं, ये मैंने एक सॉलिड सरफेस या सॉलिड बॉडी रख दी, एस एस मतलब सॉलिड सरफेस, एस बी मतलब सॉलिड बॉडी, ये दोनों में से कोई भी रख दिया, अब ये फ्री स्ट्रीम फ्लो नहीं रहा। अगर आप किसी भी, क्योंकि जो यहां से फ्लूड आएगा वो इससे टकराएगा, और जो यहां से फ्लूड आएगा वो भी इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, ठीक है। तो फ्लूड के फ्लो में, अगर फ्री स्ट्रीम फ्लो में अगर आप कोई सॉलिड बॉडी रख देते हो तो वो एलजी नहीं रहता, वो फ्लो चेंज हो जाता है। उस ही फ्लो के अंदर क्या बनती है? बाउंड्री लेयर। अब बाउंड्री लेयर क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। बाउंड्री लेयर क्या होती है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। बाउंड्री लेयर वो रीजन होता है जिसके अंदर वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट, वैसे तो बाउंड्री लेयर तो वो रीजन है जिसमें ग्रेडियंट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर बोलते हैं, ठीक है। अगर उस रीजन के अंदर टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे थर्मल बाउंड्री लेयर बोलते हैं या थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर बोलते हैं। हम पढ़ेंगे अभी हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसमें एग्जिस्ट कर रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है मैं अभी समझा देता हूँ, एक मिनट। जैसे मान लो ये आपका एक सॉलिड सरफेस है, ये आपकी एक सॉलिड प्लेट है या सॉलिड बॉडी है, सॉलिड सरफेस है, यहां से फ्लूड फ्लो कर रहा है, ये फ्लूड है आपका, ठीक है। तो आपका ये एक रीजन बन गया, इसके ऊपर भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये जो रीजन है ना, ये जो मैंने बनाया है पैराबोलिक शेप का, यही है बीएल बाउंड्री लेयर, ठीक है। अब इसके, इसको हम पहचानेंगे, इसके लिए एक तरीका, देखो पहली बात तो ये इसकी थिकनेस जो है ना इस तरफ बढ़ती, सॉलिड बॉडी की सरफेस की तरफ बढ़ती जाएगी। देखो यहाँ थिकनेस कुछ थी, यहाँ बढ़ गई, यहाँ बढ़ गई, यहाँ और बढ़ गई। ये जो मोटाई है ना, इसकी जो थिकनेस है, ये सॉलिड सरफेस के अलोंग बढ़ती जाएगी। और बाउंड्री लेयर कहेंगे किसे? इसके अंदर वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा वीजी, मतलब यहां पर वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो ऊपर जाओगे तो बदल जाएगी, 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और ऊपर जाओगे तो बदल जाएगी, 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और ऊपर जाओगे तो और बदल जाएगी, 11 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगर वेलोसिटी सॉलिड सरफेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाने पर अगर वेलोसिटी वैल्यू बढ़ रही है या वेलोसिटी वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे 5 सॉलिड, तो इसे तो बोलते हैं हम कि वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डीयू बाय डीवाई डज नॉट इक्वल टू 0, यह है वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी चेंज इन वेलोसिटी। यू क्या है? वेलोसिटी। वाई क्या है? डिस्टेंस।
चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नॉट जीरो, तो क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है, इसे ही बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम कहते हैं तो उसे रेट बोलते हैं, जैसे टाइम के टाइम से डिवाइड करने पर हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं रेट, ऐसे ही लेंथ से डिवाइड करने पर हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं ग्रेडियंट। अगर मैंने टेम्परेचर को लेंथ से डिवाइड करा तो इसे बोलूंगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, अगर टेम्परेचर को टाइम से डिवाइड करा तो उसे बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, ठीक है। तो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर वो रीजन होता है जिसके अंदर वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है, मतलब जिसके अंदर वेलोसिटी सॉलिड सरफेस से ऊपर जाने पर बदलती है, और सॉलिड सरफेस के ऊपर इस सरफेस के ऊपर वेलोसिटी होती है जीरो। वेलोसिटी किसका फंक्शन हो गई, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, वेलोसिटी वाई का फंक्शन, देखो मैंने लिख रखा है ना ऊपर ये वाली एक्सिस कौन सी होती है वाई एक्सिस, तो जब आप वाई एक्सिस के लोग जाओगे तो वेलोसिटी क्या आएगी बेटा चेंज, वेलोसिटी क्या आएगी चेंज, ये समझ में आ रहा है। तो बाउंड्री लेयर वो रीजन है जिसके अंदर वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करे, वेलोसिटी y का फंक्शन है, मतलब वेलोसिटी कुछ ऐसा देख देते हैं, क्यूबिक फंक्शन लिखते हैं जनरली हम, ux = u0 plus a b a y plus b y square plus c y cube, ऐसा लिख देते हैं वेलोसिटी को। देखो ये मैं यूज भी करूंगा, नहीं भी आता तो बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ux = u0 plus a y plus b y square plus c y cube, वेलोसिटी इज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ y, ठीक है। देख लो वन पुट करो y को तो इसकी वैल्यू कुछ निकल कर आएगी, टू पुट करोगे y को तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, थ्री पुट करोगे तो अलग निकल कर आएगी, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, अगर सॉलिड सरफेस नहीं है फ्लो में, अगर फ्लूइड के फ्लो में सॉलिड सरफेस नहीं है तो उसके फ्लो को फ्री स्ट्रीम बोलो, फ्री स्ट्रीम फ्लो बोलते हैं, और जिस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है उसे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बोलते हैं ना। अब ध्यान दो, अगर ये फ्लो है आपका, ठीक है, बाउंड्री लेयर देखो शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है म्यू इनटू डीयू बाय डीवाई, ठीक है। एक फ्लूड है उसके पास वेलोसिटी तो है ही है, मान लो वाटर है तो उसकी वेलोसिटी का विस्कोसिटी तो है ही है, म्यू तो उसका जीरो नहीं है, तो डीयू बाय डीवाई बाउंड्री लेयर के अंदर तो जीरो है नहीं, डीयू बाय डीवाई एग्जिस्ट कर रहा है बाउंड्री लेयर में, तो ये चीज जीरो नहीं आएगी बाउंड्री लेयर में, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो बाउंड्री लेयर वो रीजन होता है जिसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो नहीं है, ओ सॉरी, जिसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो नहीं होता, जिसमें शियर स्ट्रेस जीरो नहीं होता, द रीजन इन विच देयर इज शियर स्ट्रेस इज नॉट जीरो, द रीजन इन विच द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नॉट जीरो इज नोन एज द बाउंड्री लेयर, ठीक है। और बाउंड्री लेयर के बाहर क्या होता है, बाउंड्री लेयर के बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करता, यहां पर डीयू बाय डीवाई जीरो हो जाता है, यहां पर अगर डी यू बाई डी वाई जीरो है तो शियर स्ट्रेस भी जीरो आएगा, अगर ये टर्म जीरो हो गई तो म्यू इनटू में जीरो जीरो हो जाएगा, तो बाउंड्री लेयर की अगली डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन दे जिस वो रीजन, ये रीजन बाउंड्री लेयर है, ये वाला जो है ना, ये जो पैराबोलिक शेप के अंदर आ रहा है ये सारा बाउंड्री लेयर है, वो रीजन जिसके अंदर वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करे जीरो ना हो वो बाउंड्री लेयर है, वो रीजन जिसके अंदर शियर स्ट्रेस जीरो ना हो वो बाउंड्री लेयर है, या वो रीजन जिसके बाद शियर स्ट्रेस जीरो हो जाए, वो रीजन जिसके बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो जाए वो बाउंड्री लेयर, जिसके बाद, इसके बाद ही तो जीरो हो रहा है, तो ये रीजन क्या है बाउंड्री लेयर, ठीक है। और यहां पर वेलोसिटी क्या आएगी, देखो यहां पर वेलोसिटी यूएक्स है, ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती, यहां पर वेलोसिटी यूइनफिनिटी या यूएस होगी, बाउंड्री लेयर के बाहर वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो कितनी होगी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, चाहे यहां देखो तब भी यूइनफिनिटी, यहां देखो तब भी यूइनफिनिटी, ऊपर जाके देखोगे तब भी यूइनफिनिटी होगी, तो बाउंड्री लेयर के बाहर फ्लूड फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, कुछ सोच के देखो क्या होता है, सॉलिड बॉडी रखी है, इधर से फ्लूड आया इससे टकराया तो उसकी वेलोसिटी यहां पर जीरो हो गई, सरफेस पर, सरफेस पर कितनी हो जाती है जीरो, इसे ही बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, इसे क्या बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, क्या बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन क्या होता है, यू इज इक्वल्स टू जीरो एट वाई इज इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू जीरो एक्स एक्सिस होती है, देखो ये x एक्सिस होती है ना और ये y एक्सिस होती है, x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं 7.0 या 9.0, मतलब y हमेशा 0 होता है, यानी y = 0 x एक्सिस की इक्वेशन है, तो y = 0 पर वेलोसिटी 0 होती है, यही है नो स्लिप कंडीशन कि सॉलिड बॉडी जिसके ऊपर फ्लो फ्लूड जिससे फ्लूड टकराया जिसकी वजह से बाउंड्री लेयर बनी उसके सरफेस पर फ्लूड फ्लो नहीं करता,
उस पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, और फिर उसके सरफेस से जैसे जैसे दूर जाते जाते जैसे जैसे दूर जाते वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और बाउंड्री लेयर पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है 99% ऑफ यू इन्फिनिटी। यहाँ पर भी 99% ऑफ इन्फिनिटी यानी 0.99 u, इस ये बाउंड्री लेयर के जितने भी पॉइंट है ना इन पर वेलोसिटी कितनी है फ्लूड की 0.99 u इन पॉइंट पर, और इनके जस्ट बाद u इन्फिनिटी, इनके जस्ट बाद क्या है u इन्फिनिटी। तो बाउंड्री लेयर की एक और डेफिनेशन आ गई, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज वेलोसिटी इज 99% ऑफ द फ्रिस्टिंग वेलोसिटी। उन सभी पॉइंट्स से एक ग्राफ बना दो, एक पाथ बना दो जिनकी वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का 99% है, जिनकी वेलोसिटी 0.99 टाइम्स ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। कितना? 0.99 टाइम्स ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वेलोसिटी इतनी है उन सबको मिला दो, तो जो उस ग्राफ तो जो एक पाथ बनेगा उस पाथ के अंदर जो रीजन आएगा उसे बोलेंगे फ्री स्ट्रीम, और उसे बोलेंगे बाउंड्री लेयर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया कि बाउंड्री लेयर के बाहर वेलोसिटी होती है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल, तो यहाँ पर भी यू इन्फिनिटी होगा, यहाँ पर भी यू इन्फिनिटी, ऊपर जाओगे जहाँ पर भी यू इन्फिनिटी होगा, मतलब वहाँ वेलोसिटी ग्रेडिएंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ गए। यहाँ पर वेलोसिटी अगर यू एक्स है, जो कि मैंने मान लिया यहाँ पर यू एक्स है, यहाँ पर यू एक्स है, अलग अलग जगह अलग अलग है, यहाँ पर 5 होगा यू एक्स, वाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो यू एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी, लेकिन यहाँ पर यू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा यू इन्फिनिटी के, बाउंड्री लेयर के बाहर यू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा यू इन्फिनिटी या यू एस के। तो ये सब बाउंड्री लेयर का कांसेप्ट था। इसके अलावा सॉलिड सरफेस से बाउंड्री लेयर तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, डेल्टा से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं डेल्टा से, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर थिकनेस। और वेलोसिटी के केस में जब हम हीट ट्रांसफर की स्टडी नहीं कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर अब तक मैंने हीट ट्रांसफर की कोई टर्म यूज नहीं की, तो इस थिकनेस को बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक थिकनेस, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। अगर टेम्परेचर की बात करता मैं यहाँ तो बोलते थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर या थर्मल बाउंड्री लेयर। ठीक है, थर्मल बाउंड्री लेयर ओरिजन होता है जिसमें थर्मल बाउंड्री लेयर ओरिजन होता है जिसके अंदर टेम्परेचर ग्रेडिएंट एग्जिस्ट करता है, जिसमें dT/dU डज नॉट इक्वल टू 0। थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर ओरिजन होता है जिसके बाद टेम्परेचर ग्रेडिएंट एग्जिस्ट नहीं करता, जिसके बाद dT/dU dT/dY = 0 हो जाता है, समझ गए। यहाँ का टेम्परेचर T इन्फिनिटी हो जाएगा या TS हो जाएगा, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ 40 डिग्री होगा, यहाँ 50 होगा, मतलब जैसे जैसे आप सॉलिड सरफेस से दूर जाते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, यानी थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर ओरिजन है जिसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करे, जिसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट 0 ना आए, और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर ओरिजन है जिसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 ना आए। ठीक है, और बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होती है, सॉलिड सरफेस से उस पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसकी वेलोसिटी 99% है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का, या बाउंड्री लेयर के ऊपर ही, बाउंड्री लेयर के बिल्कुल एंड का जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी 99% होती है 0.99। तो सॉलिड सरफेस के किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो उस पॉइंट तक का जहां पर वेलोसिटी 99% है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का, उस डिस्टेंस को बोलते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा। हीट ट्रांसफर की स्टडी कर रहे हो तो उसे थर्मल बाउंड्री लेयर या थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस बोलोगे। अगर आप हीट ट्रांसफर टेम्परेचर को इनरोल नहीं कर रहे, टेम्परेचर के बारे में नहीं पढ़ रहे, तो इसे बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस या सिंपल बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो ये भी बाउंड्री लेयर थिकनेस है, ये भी बाउंड्री लेयर थिकनेस है, ये मान लो ये x = 1 पर बाउंड्री लेयर थिकनेस है, ये x = 2 पर बाउंड्री लेयर थिकनेस है, ये x = L पर बाउंड्री लेयर थिकनेस है। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस मैंने कहा था ना अलग अलग, आगे जैसे जैसे आते जाओगे वैसे जैसे आप सॉलिड सरफेस के अलोंग मूव करोगे बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ती जाएगी, यानी बाउंड्री लेयर थिकनेस इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सॉलिड बॉडी की लेंथ के अलोंग बढ़ती है। तो ये सब कुछ बाउंड्री लेयर के बारे में था, आई होप आपको समझ आया, ये बिल्कुल बेसिक है। और अगर आपको और समझना है इससे अच्छा, अगर आपको समझना है तो फिर आपको मुझे बताना पड़ेगा, मैं उसको वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये सफिशियंट है। ठीक है, और ये बिल्कुल बेसिक था कन्वेक्शन का, इससे आगे जो हम पढ़ेंगे उनमें सब में ये यूज है, तो आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा ये। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछो, समझ में आ गया तो लाइक करो, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी करो, और जो वीडियो है बाकी जो हमारे प्लेलिस्ट बना रखे उनको भी देखो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।